कुकिंग सुनीता यादव में आपका स्वागत है। आज हम कद्दू की दानेदार बर्फी बनाएंगे जिसको आप व्रत में खा सकते हैं। ये मेरी सामग्री इस प्रकार है बर्फी की। ये मैंने आधा किलो कद्दू लिया हुआ है, 2 चम्मच घी, 50 ग्राम मावा, 200 ग्राम चीनी और ये थोड़ा सा दूध। आइए हम बर्फी को बनाते हैं। कद्दू को इस तरह से हमने छील लिया है। इस बर्फी के लिए आपको पका हुआ पीला वाला ही कद्दू को लेना है। इस तरह से हमको इसको कसना है। सारे कद्दू को हम इस तरह से कस लेंगे। देखिए पतले वाले ग्रेटर से हमें कसना है। इस तरह से इसको, इस तरह से हमें इसे कसना है। ये देखिए इस तरह से हमने सारे कद्दू को कस लिया है। अब हम इसकी बर्फी बनाते हैं। 1 चम्मच घी डालेंगे देखिए इसमें से, बाकी घी को हम बचा लेंगे। इस तरह से हम ये कद्दू को निचोड़ लेंगे। इसका जो पानी होगा सारा इस तरह से इसको निकाल देंगे हम। ये देखिए इसका सारा पानी निकल चुका है। अब इसको हम इस तरह से इसको हम गैस पर रख देंगे। और इसे हम तब तक चलाना है जब तक कि इसका पानी सारा सोख ले। ये देखिए हमारे कद्दू का पानी अच्छे से सूख चुका है। देखिए आप, अब इसमें हम दूध डालेंगे इस तरह से। ये हमारे पास जो दूध है इसको हमने डाल दिया इसमें और इसको अच्छे से हमें चलाना है और थोड़ी देर के लिए इसे हम ढक के रख देंगे ताकि हमारा जो दूध है सारा हमारा ये कद्दू सोख लेगा इसे। और इसे हमें चलाते रहना है, तब नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। अब हम इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख देते हैं और इसे देखते रहेंगे कि अंदर से नीचे लगे ना। इस तरह से हम थोड़ी देर के लिए इसे रख देते हैं। ये देखिए हम अपने कद्दू को देखते हैं किस तरह से हमारा गल चुका है। देखिए इसका सारा दूध सूख चुका है। इसको हमें अच्छे से इसी तरह से चलाना है। ये मैंने थोड़े से केसर लिया था, पानी में डाल दिया था। इस केसर को भी इसी में डाल देंगे हम। अगर आपके पास हो केसर तो डालिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। दूध हमारा सारा सूख चुका है। अब इसमें हमारे पास जो चीनी है चीनी को डाल देंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप मिश्री भी डाल सकते हैं पीस कर। और इससे अच्छे से इसको हम चलाएंगे। ये देखिए हमारा अच्छे से चीनी इसमें कद्दू में एकदम से अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें थोड़ा सा हम खाने वाला कलर डालेंगे। आपको अगर डालना हो तो डाल दिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर इसमें डाल दिया, इससे बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। अब हमारे पास जो खोआ है वो भी हम इसको डाल देंगे। हम बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से हमको सुखाना है बिल्कुल अच्छे से। जब ये सूख जाएगा तब इसमें हम घी डालेंगे। इसमें मैंने मावा डाला है। अगर आप मावा नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें नारियल का पाउडर डाल सकते हैं आप, या थोड़ा सा आप मिल्क पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारे पास जो घी बचा हुआ था वो घी इसमें हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको चलाएंगे ताकि जब तक कढ़ाई छोड़ने लगेगी घी को तब तक हमें इसे बहुत अच्छे से चलाना है इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे आप। इस तरह से मैंने इलायची पाउडर इसमें डाल दिया है और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से हमको भूनना है। इस तरह से हम थोड़ा सा घी लगा के ट्रे में लगा देंगे घी को। और हमने जो ये बनाया हुआ है मिक्सर, ये देखिए इस तरह से हमारा बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल इसने घी छोड़ दिया है, एकदम बहुत अच्छी सी इसमें शाइनिंग सी आ गई। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसको हम ट्रे में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसको 2 घंटे के लिए इसको हम रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाएगी। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख सकते हैं, फ्रिज में आप, ताकि जल्दी से जम जाएगी। ये देखिए हमारी बर्फी अच्छे से जम चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ये देखिए कितनी अच्छे से जम करके तैयार हुई है। अब इसमें थोड़ा सा इसको सजाने के लिए हम इसमें वर्क लगा देंगे इस तरह से। इस तरह
तरह से इसको हम लगा देंगे इस पर। इससे हमारी बर्फी बहुत अच्छी दिख, बिल्कुल मार्केट की तरह दिखेगी। ये काट के दिखाती हूँ किस तरह से हमारी बर्फी बनकर के तैयार हुई है। देखिए ये बर्फी थोड़ी सॉफ्ट ही होती है। इस तरह से इसके हम सारे पीस कर लेंगे। ये देखिए इसके मैं एक एक पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे हमारी बर्फी बनकर के एकदम तैयार हुई है। इस तरह से आप इसको पिस्ते से गार्निश कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से हमारी बर्फी बनकर के तैयार हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ इसको एक तोड़ के। ये देखिए बहुत ही बढ़िया दानेदार एकदम बर्फी बनकर के तैयार है। इसे आप कोई नहीं कहेगा कि कद्दू की बर्फी है। ये एकदम बिल्कुल बेसन की बर्फी की दिखाई दे रही है। मूंग की दाल की बर्फी की तरह लग रही है। ये लीजिए कद्दू की बर्फी बनकर के तैयार है। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी। मेरी रेसिपी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।